आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दो घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी।
भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है, आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए, मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आम्बेडकर अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए?